फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक होम रेमेडी लेके आई हूँ आप सब अपने दोस्तों के लिए। जैसे जिनके चेहरे पे दाग धब्बे हो जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाती है, तो उसको आप घर पे कैसे साफ कर सकते हैं। बिल्कुल इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, इतना ज़्यादा असरदार होता है नुस्खा। मैंने खुद इसको ट्राई किया है, मेरे चेहरे पर हल्के हल्के से धब्बे हो गए थे जो बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। तो मैंने सोचा कि आपके साथ मैं ये शेयर करूँ, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रेमेडी के लिए सबसे ज़रूरी है फ्रेंड्स ये समुद्री झाग। ये आपको पंसारी की दुकान पे आराम से मिल जाएगा। ये 20 रुपए का पीस है, 10-20 रुपए में आप इसे छोटा भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। और इसको हम क्या करेंगे, देखिए एक तरफ इस पे ऐसे पॉलोथीन सा लगा होता है, ये देखिए ये बिल्कुल ऐसे टाइट, और एक तरफ ये ऐसे होता है सूखा सा। उस साइड से हमको ऐसे इसको ब्रीक वाला मैंने ये लिया है कद्दूकस, इसमें से ऐसे रफ करके एक चम्मच इसका पाउडर निकाल लेंगे। देखिए मैंने इसको कद्दूकस इसलिए किया है फ्रेंड्स, देखिए इसके जो ये रेशे बन जाते हैं ना थोड़े लंबे लंबे, ऐसे इनको हाथ के साथ क्रश कर लीजिए और एक दरदरा सा पाउडर बन जाएगा इनका, जो हमारी स्किन में जितनी भी टाइनिंग होती है ना फ्रेंड्स, जो हार्ड पार्टिकल होते हैं उन सबको निकाल देगा ये। देखिए ये ले लिया है। इसके बाद हम लेंगे कॉफ़ी पाउडर, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं कॉफ़ी पाउडर। मैंने एक पाउच लिया है, ईजिली आपको कहीं भी मिल जाएगा ये। देखिए ये हमें पूरा पैकेट इसमें डालना है, बस एक पैकेट हम इसमें डालेंगे। इन दोनों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से, पहले हमें इन्हें ड्राई मिक्स करना है। और ये मैंने लिया है फ्रेंड्स मुल्तानी मिट्टी का पाउडर आता है, इसका भी एक चम्मच ले लेंगे, आम भाषा में जिसको गजनी बोला जाता है। देखिए इसका पाउडर ले लेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद देखिए मैंने कच्चा दूध लिया है, बिल्कुल रॉ मिल्क लिया है, इसको इसमें मिलाएंगे थोड़ा थोड़ा और इसका एक थिक सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। देखिए मैं अपनी उंगली से इसको ऐसे मिला रही हूँ अच्छे से, ताकि इसमें कोई भी ऐसे पार्टिकल ना रहे जो हमारे फेस को हानि पहुँचाए। देखिए बिल्कुल ऐसे महीन पेस्ट बन जाएगा इसका, बिल्कुल चिकना पेस्ट बन जाएगा। देखिए अभी हमें क्या करना है, देखिए हम इसका हल्का सा माउंट लेंगे ऐसे, और अपनी स्किन पे ना ऐसे एक लेयर बनाएंगे फेस वाली पे। देखिए बिल्कुल ऐसे हम एक लेयर बना लेनी है इस पेस्ट के, अच्छे से लेयर लगा के इसको 10 मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे और इसको सूखने देंगे फ्रेंड। और देखिए ड्राई हो गया है, अब हम इसको ऐसे मलेंगे देखिए, और इसको ऐसे निकाल देंगे अपनी स्किन से, बड़ी इजिली निकल जाता है। और देखिए आप फर्क देख रहे होंगे फ्रेंड्स, ये हाथ में और इसके ऊपर जो हल्की सी स्किन है ना उसमें आप हाथ देख, और देखिए फर्क कितना क्लियरली नजर आ रहा है। बिल्कुल यहाँ पे मैंने नहीं लगाया था और यहाँ पे मैंने लगाया था, तो देखिए कितना साफ हो गया है। और इसको ऐसे गीले कपड़े के साथ हम ऐसे पूंछ लेंगे, साफ कर लेंगे बिल्कुल। फेस को हमें धो लेना है ठंडे पानी से, और देखिए फ्रेंड्स कितना फर्क नजर आ रहा होगा आपको मेरे हथेली पे। देखिए ये वाले हाथ में और इस हाथ में कितना फर्क हो गया है। इसको अच्छे से सूखने देंगे, और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है फ्रेंड्स, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ऑयली ड्राई कैसी भी आपकी स्किन हो आप इसे यूज कर सकते हैं। लास्ट में हम अपना कोई भी सीरम लेंगे, क्योंकि कोई भी हम फेस मास्क यूज करते हैं फ्रेंड तो हमारे स्किन के ना ओपन पोर्स खुल जाते हैं, पोर्स खुल जाते हैं, उनको ऐसे देखिए बिल्कुल अच्छे से मैं मालिश कर लूँगी, हाइड्रेट हो जाएगा हमारा चेहरा, ड्राई हो जाता है ना। और देखिए फ्रेंड्स कितना डिफरेंस मेरे हाथों में हो गया है। ऐसे ही आप इसको हफ्ते में सिर्फ दो बार लगाएंगे और आपका चेहरा बिल्कुल खिल उठेगा फ्रेंड्स, ये मेरा वादा है आपसे। देखिए मेरा हाथ कितना ही फर्क आ रहा है हाथ में, चेहरे की स्किन तो इससे और भी ज़्यादा सॉफ्ट होती है। अगर आपको मेरी रेमेडी पसंद आए तो मेरी वीडियो में कॉमेंट्स डाल के बताना कि हमें आराम मिला है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।